शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोनिया, सोनिया, अरे कहाँ गायब हो गई ये लड़की? सोनिया, तनुजा जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, हमें इस घर में बहुत कुछ मिल चुका है, अब और दुख नहीं चाहिए हमें। भगवान, आप माँ बेटी को ना बस मौका चाहिए हमें परेशान करने के लिए। अरे श्रद्धा ने आपको बताया नहीं क्या कि धूल से हमारा गला फूल जाता है और जकड़ जाता है? तनुजा जी, माफ कीजिए, हमें नहीं पता था। हाँ, अब आप ऐसे दिखाएंगी जैसे हम बहुत कुछ बोल दिए हैं आपको और आपका दिल दुखा दिए है ना? नहीं तनुजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए माँ। नमस्ते नाना जी। नमस्ते। नमस्ते ऋतु जी। तनुजा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया भाभी। चाची जी, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। आप लोग बैठिए, हम चाय बनाकर लाते हैं। अरे नहीं नहीं यशवी जी, खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो बस तनुजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, हमें निकलना भी है। अरे भाभी, इनके हाथ की चाय तो पीकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। और यशवी जी, आपके हाथ की बनी हुई वो मटरी भी ले आइएगा, बड़ी अच्छी होती है। हाँ क्यों नहीं। कीर्ति बेटा, हमारी थोड़ी मदद करा दो। जी मम्मी। आप बैठिए, हम अभी आते हैं। वैसे तनु भाभी, आज तो आपका जन्मदिन है तो अभय और श्रद्धा ने तो बहुत सारी तैयारियां की होगी ना, तोहफों की तो बरसात हो गई होगी आज हमारी तनु भाभी पर। अरे रितु, तोहफे तो दूर की बात है, हमारे बेटे ने न फोन पे न मिलके हमें अभी तक जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी है। अगर उसे अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी को घुमाना याद है तो हम भी उसे कुछ नहीं याद दिलाने वाले। हाँ शांत हो जाइए, वैसे हम एक बात कहें, हमें ना लग रहा है कि त्रिपाठी खानदान की सासू की किस्मत में ना एक साथ उनकी बहुओं का प्यार और इज्जत लिखा ही नहीं है। देखिए अभी अभी कीर्ति ने रिश्ते संभालने शुरू किए और यहाँ श्रद्धा ने पूरी बाजी ही पलट दी। बड़ा बुरा लग रहा है मैं आपके लिए। अरे रितु, आप बिल्कुल सही कह रही। अरे यशवी जी के सालगिरह पे बच्चों ने कितने धूमधाम से तैयारियां की और हमारे जन्मदिन में हमसे दो बात तक नहीं की। तनुजा, अब छोड़िए भी, देखिए अपने जन्मदिन के दिन ना अपना मूड मत खराब कीजिए, रहन दीजिए, कुछ समझिए। मम्मी, जरा जरा सी बात पे तमाशा करके तो खून बनता है इनका। अब समझन है तो क्या तुम्हारे सर पे नाचेगी? पता नहीं दीदू कैसे झेलती हैं इसे। हमारी सासा इस मामले में ठीक है, कम से कम इतने ताने तो नहीं सुनाती। चलो ये भी अच्छी बात है, कम से कम तुमने कोशिश तो की पहल करने की। लेकिन आज तनुजा जी के जन्मदिन पर वहां खाने पर बुलाने की क्या जरूरत थी? लो टोका टाकी शुरू ना। अरे हम जो कर रहे हैं वो नहीं देख रही, पर कम कर रहे हैं उससे परेशानी है। बेटा, एक जुड़े हुए परिवार में ये भी एक जिम्मेदारी ही है कि कब कहाँ और कैसे खुशियां मनाई जाए। हाँ, उसमें तो आपको महारत हासिल है ना? चाची जी के जन्मदिन के लिए बनाया है।
हाँ तो उधर तेरी दीदी अभी के साथ मिलके उनके जन्मदिन के जश्न की तैयारियां करे और मैं इतना भी ना करूं। मम्मी दीदू की सास का बस चले ना तो सबको काम कराए और खुद आराम करे। देखा नहीं बाहर कैसे बोल रही थी, ऐसे ही बोलती रहती है जैसे रेडियो की तरह उनके ताने हमेशा चालू ही रहते हैं। बाहर बैठे सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, पहले ही नाराज है वो रात से, अब उनको और मौका मत दे। हाँ जैसे कि उनसे डरते हैं, हमारे बोलने ना बोलने से ना उनके तमाशों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। देखो मम्मी एक बात अच्छे से समझ लो, जितने दिन उनको घर पे बिठा के रखोगी ना उतनी तुम्हारी जिंदगी झमलम बना देंगी वो। ये क्या कर रही हो? खीर पैक कर रहे हो और क्या? कीर्ति ये मैंने तनुजा जी के लिए बनाई और तुम अपने लिए पैक कर रही हो, तो क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो डाल रहे हैं, आप और भी बना लेना, हमारे घर में भी लोग आ रहे हैं उनको घर का कुछ तो खिलाना पड़ेगा, वैसे हमने सब कुछ बाहर से मंगा लिया है फिर भी। एक दिन रसोई में थोड़ा हाथ चला लोगी ना तो घिस नहीं जाओगी तुम, समझी? वही तो कर रहे हैं, देखो अपने दोनों हाथों से डब्बा भर रहे हैं। हो गया चलो, वरुण ये हमारा वेट कर रहे होंगे, ठीक है? वालों के लिए घर को बहुत सुंदर सजाया है, देखना तुम उनका भी दिल जीत लोगी जैसे तुमने मेरा दिल जीता है। अब बताओ ऐसा क्या करूं तुम्हारे लिए जो तुम हाँ वो मुझे लगा कि कीर्ति है। अरे आप इतना हड़बड़ा क्यों गए? अब कीर्ति हमारी सहेली है तो आप भी तो हमारे दोस्त ही हुए ना, गलती से हो गया कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। कीर्ति 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 अपने मायके गई है, इसीलिए उसने हमसे मदद ली, आपके घर वाले आने वाले हैं ना शाम को। ओके कीर्ति चलो रूम में चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।